welcome to the Yummy Tummy Tasty and I'm Twinkle here. So as the summer special recipe में आपके लिए एक sandwich ready होंगे vegetable grilled sandwich जो कि खाने में बहुत ही healthy हैं और इन गर्मियों में खाने का मन नहीं करता कुछ oily या गर्म गर्म तो ये अंदर तक आपको chill out कर देंगे और ingredients घर पे सारे available होंगे less to less time में बन जाएगा तो ये तो very quickest, easiest and yummiest recipe. Do like and subscribe for the special video and then let's get into the video. Hey guys, अब हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच. सैंडविच बनाने के लिए हमारे को चाहिए कुकुम्बर. कुकुम्बर यानी कि खीरा. तो ये मेरे पास चॉपर है. अब चॉपर है आपके पास, आप चॉपर से कर सकते हैं वरना आप घिया का यूज़ कर सकते हैं. We will need some tomatoes. टमाटो डाल देते हैं. टमाटोस. सो वन मोर टमाटो. आपके पास अगर खीरा अवेलेबल नहीं है तो आप ककड़ी यूज़ कर सकते हैं. ककड़ी यानी कि तर. सो ये चॉपर का होल्डर रह गया था, मैंने इसको भी लगा दिया है. एंड अब जितने मर्जी हम कुकुम्बर्स और टमाटोज डाल लें. सो नाउ लेट्स डू चॉप इट आउट. ये चॉप हो चुका है. अब हम इसमें और कुकुम्बर्स और टमाटोज अपने लेफ्ट ओवर जो है वो भी ऐड कर देंगे और इसको भी चॉप कर. सो एज यू कैन सी इट इज़ फाइनली चॉप्ड नाउ. अब हम इसको ब्रेड स्लाइस पे लगा. आई हैव टेकन वाइट ब्रेड हेयर. अब ब्राउन ब्रेड, व्हीट ब्रेड, होल व्हीट जो भी यूज़ करना है. और अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे. अच्छे से करेंगे तो भी ज़्यादा स्टफिंग रखेंगे. ये हमने दोनों ब्रेड पे लगा दिया है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर. ये ब्लैक पेपर मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है. आज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, सम इटालियन हर्ब्स. इटालियन हर्ब्स यानी कि ऑरिगैनो, चिली फ्लेक. आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ लास्ट थिंग जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हमारी चीज़. मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो. ग्रेटेड भी आती है, ग्रेटेड भी. और ज़्यादा चीज़ नहीं डालनी हमने इसमें, नहीं तो उसका सारा चीज़ी टेस्ट आ जाएगा. तो जस्ट बिट, ताकि वो जो हमने अपनी स्टफिंग्स रखी वो चिपक जाए, उस पर स्टिक हो जाए अच्छे से. अब हम इसको ग्रिलर में कर देंगे. आपके पास ग्रिलर सैंडविच है आप उसमें रख दीजिए, नहीं तो आप पैन में भी इसको अच्छे से कर सकते हैं. सेकना है इसको अच्छे से. सो आई हैव अ ग्रिलर हेयर. मैंने ग्रिलर में इसको रख दिया है. आपके पास ग्रिलर नहीं है तो कर सकते हैं. सो जस्ट फॉर 2 मिनट्स हम इसको रख देंगे. जस्ट 2 मिनट्स के लिए हमने इसको रखना है. लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको कट करके अपना सर्व कर सकते हैं. ये बहुत ही क्विक रेसिपी है. सो व्हेन योर पिज़्ज़ा टर्न्स आउट टू बी लाइट ब्राउन, टेक इट आउट. उसको निकाल दें अपने ग्रिलर से, या फिर जब अगर आप उसको पैन में सेक रहे हैं तो उसको पैन से निकाल लीजिए और स्लाइसेस में कट कर लीजिए. इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लो एंड सर्व हॉट. इट टेस्ट रियली सो गुड, सो टेस्टी. It's the quickest recipe of a sandwich with the yummiest taste. Thanks.